दिखने में बिल्कुल काजू कतली जैसी और खाने में काफी कुछ काजू कतली जैसी। जी हाँ, आज हम अत्यंत स्वादिष्ट मूंगफली कतली बनाएंगे। इसे बनाना बहुत आसान है और इसे आप कई दिनों तक स्टोर करके भी रख सकते हैं। लेकिन इस मिठाई को परफेक्टली बनाने के लिए कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स जानना बहुत जरूरी है। तो आज सारे टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ चलिए बनाते हैं मूंगफली कतली। नूतन दत्त का स्नेह भरा नमस्कार, चलिए शुरू करते हैं आज की रेसिपी। मूंगफली लिया है मैंने 250 ग्राम। इसे हम मीडियम फ्लेम पे सेकेंगे। आपको ध्यान रखना है कि इसे हमें ज्यादा नहीं सेकना है, इसे हमें कम सेकना है ताकि इसका ऊपर वाला छिलका क्रिस्प हो जाए और इसे हम आसानी से निकाल सके। मूंगफली हम बाद में भी कुक करते हैं चाशनी के साथ। ज्यादा सेक देने से मिठाई का कलर और टेस्ट खराब हो सकता है। तो करीब 5 से 6 मिनट में हमारे मूंगफली सिक चुके हैं। इसे अब हम उतार कर एक प्लेट में रहने देते हैं ताकि ये थोड़ा ठंडा हो जाए। जब ये थोड़ा ठंडा हो जाए तब इसे हम हाथों से रगड़ कर इसके छिलके निकाल लेंगे। तो ये हमारे छिलके निकाले हुए मूंगफली, और साथ ही मैंने शक्कर लिया है 200 ग्राम। मूंगफली को हमें पीसना है। मिक्सी में हम इसे पीसेंगे, लेकिन मूंगफली में तेल बहुत होता है इसलिए मूंगफली में गांठे से पड़ने लगती है। तो पीसते समय आपको बहुत ध्यान रखना है। आपको इसे पल्स मोड में पीसना है, मिक्सी चलाना है, बंद करना है, चलाना है, बंद करना है। इस तरीके से इसे पीसेंगे और इसे हमें छानना भी बहुत ज़रूरी है। तो एक बार पीसने के बाद मूंगफली को मैं इस तरह छान रही हूँ और जितना छन गया ठीक है, जो बच गया इसे हम दोबारा से पीसेंगे। इसे छानने के लिए आप थोड़ी मोटी जाली वाला छन्नी लीजिए। बहुत ही बारीक छन्नी में आपको छानने में बहुत दिक्कत आएगी। तो इस तरीके से पूरी मूंगफली को हमने पीस कर छान लिया है। हमारी मूंगफली कतली बहुत ही स्वादिष्ट बने इसके लिए हम इसमें थोड़ा सा मिल्क पाउडर भी ऐड करेंगे। 50 ग्राम हम इसमें मिल्क पाउडर ऐड करेंगे। आप ये सारे रेशियो एकदम ध्यान रखिएगा। मिल्क पाउडर को हम मूंगफली के साथ मिलाकर रख देते हैं। और चलिए अब हम चाशनी बनाते हैं। तो एक पैन में हम 100 ml पानी डालेंगे। जितना हमारा शक्कर है उससे आधा हम पानी डालेंगे और इसमें शक्कर को डाल देंगे और इसे हम हाई फ्लेम में कुक करेंगे ताकि ये शक्कर पूरी तरह से पानी में घुल जाए। और जैसे ही शक्कर पानी में घुल जाएगी इसमें हम मूंगफली का पाउडर ऐड करेंगे। मूंगफली का पाउडर हमें एक साथ पूरा नहीं डालना है, हम थोड़ा सा डालेंगे, इसे मिलाएंगे, फिर थोड़ा डालेंगे, मिलाएंगे। इस तरीके से मिलाते हुए हमें पूरा मूंगफली का पाउडर डालना है। फ्लेम हम मीडियम रखेंगे और इसे हम कंटिन्यूस चलाते रहेंगे। और चलाते समय अगर कहीं पे आपको गठाने लगे तो आप इसे तोड़ते जाइए। तो एक स्मूथ सा हमें पेस्ट बनाना है और मीडियम फ्लेम पे इसे हमें कॉन्स्टेंटली कुक करना है। आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, रेसिपी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और बेल बटन को ऑल नोटिफिकेशन के लिए ज़रूर सेट कर दीजिएगा ताकि मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। मैं इसमें थोड़ा इलायची का पाउडर डाल रही हूँ। आप चाहें तो जायफल का पाउडर या कोई भी दूसरा आप एसेंस इसमें यूज़ कर सकते हैं। हमें इस मिक्सचर को कुक करते हुए एक सेटिंग कंसिस्टेंसी तक लाना है। तो ये अभी काफ़ी गाढ़ा हो चुका है और ये सेटिंग कंसिस्टेंसी पे आ गया है कि नहीं, इसे देखने के लिए हम स्पैटुला में थोड़ा सा उठाएंगे और इसे हम 2 मिनट ठंडा होने देंगे। आप अपने हाथों में थोड़ा पानी लगा लीजिए और इस मिक्सचर को थोड़ा सा हाथों से छू कर देखिए। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ये बर्फ़ी जमने जैसा हो चुका है तो ये इसका मतलब ये मिक्सचर हमारा रेडी हो गया है। इसमें हम यहाँ पर 1 चम्मच ऐड करेंगे घी। घी डालने से ये मिठाई काफ़ी दिनों तक सॉफ्ट बनी रहती है। अगर आप घी और मिल्क पाउडर ऐड करेंगे तो इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है और ये लंबे समय तक काफ़ी नरम बनी रहती है। और घी नहीं डालने से ये थोड़े दिनों बाद काफ़ी कड़ी हो जाती है। तो घी डालकर भी इसे हम अच्छे से मिला देंगे और ये मिक्सचर अब ठंडा होते हुए थोड़ा और गाढ़ा होगा। तो बस बिल्कुल इसी स्टेज में आपको इसे उतार लेना है और उतार कर इसे आपको छोड़ना नहीं है। ये जैसे ठंडा हो रहा है तो इसे आपको कॉन्स्टेंटली चलाना है। नहीं चलाएंगे तो ऊपर की सरफेस ठंडी होती जाएगी और उसमें एक परत सी पड़ती जाएगी और फिर इसकी बर्फ़ी अच्छी नहीं बनेगी। तो देखिए अब ये हमारा ऑलमोस्ट 80-90% ठंडा हो चुका है और ये काफ़ी कुछ डो जैसा बन गया है। और इधर मैंने एक बटर पेपर लिया है, इसको मैंने चॉपिंग बोर्ड के ऊपर लगा दिया है। मैंने टेप से इसे स्टिक कर दिया है पीछे तरफ और इसके ऊपर अच्छे से हम घी लगा देते हैं। घी नहीं लगाएंगे तो इसे निकालने में दिक्कत आती है। तो अब इस डो को हम इसके ऊपर डालते हैं और इसे हम थोड़ा सा हाथों से गूंथ भी लेते हैं। अब ये काफ़ी ठंडा हो चुका है, इसे हैंडल करने में हमें कोई भी दिक्कत नहीं। और उसके बाद एक रोलिंग पिन में हम थोड़ा घी लगाकर इसे अच्छे से बेल देते हैं। थिकनेस आप जितनी रखना चाहें उतनी रख सकते हैं। इसके ऊपर मैं थोड़ा डेकोरेशन के लिए चांदी का वर्क लगा रही हूँ। ये लगाना पूरी तरह से ऑप्शनल है, मैं सिर्फ इसे काजू कतली का लुक देने के लिए ऐसा कर रही हूँ। और इसके बाद इसे हम 1 से 1.5 घंटा ठंडा होने देते हैं। ये अब ठंडी भी हो चुकी है और सेट भी हो चुकी है। तो अब इसे हम काट लेते हैं। तो काटने के बाद अभी एकदम रेडी हो चुकी है, लेकिन इसे हम थोड़ी देर और ठंडा होने देंगे। तो एक कपड़ा ढककर इसे हम 4 से 5 घंटे रहने देते हैं। और करीब 5 घंटे बाद देखिए हमारी मूंगफली कतली पूरी तरह से तैयार हो चुकी है। इसे मैं आपको निकाल कर दिखा रही हूँ और ये कितनी सॉफ्ट बनी है ये भी मैं आपको तोड़कर दिखा रही हूँ। रेसिपी पसंद आई हो तो अपनी फ्रेंड्स, फैमिली और सभी के साथ शेयर जरूर कर लीजिएगा।